इमरान रियाज कौन से जुर्म के पीछे चुप रहे साफ हस्ते? आप तो कह रहे हैं आप उसे साफी नहीं मानते, आप कह रहे हैं उसको साफी नहीं मानता, पर आप कह रहे हैं पर आपकी जो काबीना में बैठा है वो साफी है। फहद हुसैन इस वक्त साफी नहीं है, इस वक्त मतलब कि वो जब चाहे साफी बन जाए, जब चाहे वो आए वो उसकी नेचर ऑफ जॉब है, वो गवर्नमेंट में बैठा हुआ साफी नहीं है, उसको सपोज टू बी न्यूट्रल। अगर आपने पार्टीजन होना है तो फिर आप सावत को छोड़ के पार्टीजन होंगे, वरना तो मेरी भी राय है, मैं कहता हूँ वो साफी अच्छा नहीं है। आपको राय है, आप जो चाहे कहें, आप दोनों की गुफ्तगू में मैं जरा एक सिर्फ बात बता दूं, एक मिनट, आप दोनों की गुफ्तगू में मियां जावेद लतीफ साहब नाज़रीन मुस्लिम नून के जो रहनुमा हैं, मुझे नहीं पता उनको क्या हुआ है, मेरे ख्याल में शायद उनको इस बात की नाराजगी है कि उनको मौका नहीं मिला अभी गुफ्तगू करने का, तो वो अपनी सीट से ही उठ के चले गए हैं। मुस्लिम नून से मेरी दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी अपने अपने लोगों को थोड़ा सा समझाएं कि प्रोग्राम्स में किस तरह बैठते हैं, थोड़ा सा अपने अंदर जर्फ पैदा करें। आप लोगों की मीडिया पॉलिसी का वैसे ही बहुत बुरा हाल है, और अब ये देखिए, ये सामने जो है ये कुर्सी खाली जा रही है, और ये मुस्लिम नून के रहनुमा हैं जिनसे इतना बर्दाश्त नहीं हुआ कि दो मिनट तक ठहर जाए, मैं उनकी बारी देने लगा था। खैर कुछ नहीं होता, हम भी इनकी खाली कुर्सी दिखाएंगे। नहीं नहीं मियां जावेद लतीफ साहब बड़े भाई हैं और वो बात बर्दाश्त भी कर लेते हैं, यकीनन कोई और वजह हुई होगी, ऐसे नहीं गए होंगे। सर मुझे तो कोई नहीं पता, हमने तो उनके बारे में बात ही कोई नहीं की। लंबा हो गया मेरा अदर का आर्गुमेंट, लंबा हो गया, मियां साहब ने माइंड किया इसको, तो मैं उनसे माजरत करता हूँ। और अगर मुझे और आपको भी जरा थोड़ा सा बैलेंस करनी चाहिए, मुझे भी करनी चाहिए और आपको भी करनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक है जी, अगर मियां साहब हैं तो मंसूर भाई बेशक आप उनको टाइम दें, और अगर नहीं है तो मैं फिर अपने छोटा सा कमेंट मैं प्रोड्यूसर साहब से कहता हूं, कैमरा कट हुआ है, वो आना चाहे आके 100 दफा बैठिए, हमारे लिए काबिले एहतराम है, बड़े इज्जत के लायक हैं वो। मैं प्रोड्यूसर साहब से कहूंगा वो अगर आ जाएंगे उनकी मर्जी है, वरना हम फ्रेम इसी तरह दिखाते रहेंगे। ठीक है, मुस्लिम नून की जगह खाली जा रही है, क्या कह सकते हैं जी। अथर साहब बोलिए, आपके प्रोग्राम में आए ना, हमारे कंडक्ट की वजह से नाराज हो गए, आपसे तो नाराज नहीं हुए ना। हाँ वो असल में हमारी वजह से हुए। अच्छा वही मैं मेरा और अदर का कसूर है, आपका नहीं है। बिल्कुल कह रहे साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे। वो मसला ये है कि देखिए, हम सबको अपने रवैयों के ऊपर नजर सानी करनी चाहिए, लेकिन मेरा एक आर्ग्यूमेंट है और मैं हमेशा से पहले भी कहता हूं कि चाहे किसी की भी हुकूमत हो, बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए। माजी में भी हुकूमतों में बर्दाश्त नहीं थी, यहाँ पे साफियों के साथ जो कुछ होता रहा खान साहब की दौरे हुकूमत में, वो भी सामने है। तो यही मैं अर्ज करता हूँ, मियां जावेद लतीफ साहब के ऊपर बगावत का मुकदमा हुआ था, किस लिए वो हुआ, ये क्यों हुआ था? तो ये वो सारी चीजें जो नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं अगेन कहता हूं कि जो जमहूरियत पसंद फोर्सेज है ना, वो इतनी उनको छुई मई नहीं होना चाहिए कि जी किसी की बात के ऊपर हम फौजदारी मुकदमे कर देंगे, फिर किस तरफ जाएगी हमारी स्टेट? पहले इधर जगह नहीं है बात करने की। ठीक है, कुछ आवाजें ऐसी होती हैं जो आपको पसंद नहीं आती, लेकिन ये आजादी की कीमत है जो फ्री मुआशरों में आपको अदा करनी पड़ती है। उसमें अतर एक चीज जरूर ध्यान में रखिए, ये जिन मुआशरों के रवैयों की हम बात कर रहे हैं और जमहूरी रवैयों की हम बात कर रहे हैं, ये मैच्योर डेमोक्रेसीज के अंदर वहां सॉफ्टनेस इन सोसाइटी आई है, वहां मजहब के ऊपर, मसलक के ऊपर, कौम के मिले के ऊपर, ये सारी चीजों पर सॉफ्टनेस आई है, वो मुआशरों के अंदर ठहराव आए हैं। आज हमारा मुआशरा एकदम हम खड़े होकर उसको स्कैंडिनेविया वाला मुआशरा नहीं बना सकते, हम यूरोप और अमरीका वाला मुआशरा नहीं बना सकते, हम जिस मुआशरे के अंदर रहते हैं उसके अंदर बिल्कुल ये बात दुरुस्त है, हत्तुल अमकान हमें कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ से इश्ताल का एक लेवल होता है। आपने देखा होगा गोरे आसानी से एक दूसरे को थप्पड़ नहीं मारते, हमारे यहाँ तो गुफ्तगू बाद में होती है, थप्पड़ पहले मार दिया जाता है, वो आपस में गुफ्तगू करते हुए तल्ख भी हो जाते हैं, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं, ये कौमी टेम्परामेंट होता है। हमारे यहाँ भी ग्रेजुअल टाइम लगेगा। अभी मैं और आप बातें करते करते हमारा दोनों का टेम्परामेंट कहाँ चला गया था? मेरा लहजा भी तल्ख हो गया था, आपका लहजा भी तल्ख हो गया था। तो ये हमारा एक कौमी मिजाज है, इस पे जितना मुमकिन हो सके हमें काबू पाना चाहिए।